तो भाई हम पहुंच चुके हैं फिदक के अंदर, बैठ रहे हैं, रिव्यू देते हैं। बढ़िया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत नेक्स्ट लेवल की ठंड हो गई है, बाल बाल सारे खराब हो गए, और यहाँ का वेदर इस तरीके का ही है कि कल बिल्कुल आसमान में इस्लामाबाद वाला है। वाह, ये तो कुछ मज़े का लग रहा है चीज़ टाइप। इसके अंदर क्या है, अनबॉक्स करते हैं। देखेंगे, नमाज हॉल है इसका, पूरा प्रेइंग एरिया काफ़ी कमाल बनाया हुआ है इन्होंने, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये खूबसूरत सा इन्होंने आर्टवर्क दिया है ट्रेन का, वो आर्टवर्क भी मैंने कहा क्यों ना दिखा दूँ, काफ़ी कमाल किया है। ईरान कहते हैं ना, डिजिटलाइज चल रहा है माशाल्लाह। आगा दिस बुगी, यार ये फिदक पहुंच चुके हैं, ट्रेन के अंदर प्लेटफॉर्म पर हैं, और ये प्लेटफॉर्म कहीं उतरना नहीं पड़ा, रुपये वाले ने भी हमें गलत बता दिया था, अब हम आगे जा रहे हैं तो मिस्ट्री तो ज़रूरी है। राजिक कह रहा था जब तक तुम पहुंचोगे नहीं ना, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होगा। तो भाई हम पहुंच चुके हैं फिदक के अंदर, बैठ रहे हैं, रिव्यू देते हैं। बढ़िया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बता दिया है कि हम चार नफर डब्बा नंबर 2 में, वो हमारा सा लगेज सामान, अब हम अंदर जा रहे हैं। मर्दिया चलो 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 अंदर चलो जी। भाई तो ये तो VIP क्लास है, यानी आप चेक करें, ये सैनिटरी, पानी, लंच बॉक्सेस। मर्दिया मज़ा आ रहा है? अरे हाँ, वेरी नाइस, अभी तक तो बहुत अच्छा है। तो चलो इसका सफ़र भी आपको दिखाते हैं और इसका रिव्यू भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो हम फिदक में बैठ चुके हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई अंदर आते के साथ ना, एक तो ये पानी की वेलकम ड्रिंक है, क्योंकि मर्जियाँ हमारे साथ है, वो कुछ छोड़ती नहीं है। इसके अंदर क्या है, अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर आप समझ लें ये सेफ्टी किट है, मास्क है। इसके अंदर एयरफोन्स हैं, इसके अंदर ये टूथब्रश है, और इसके अंदर ये कॉम है, इन्होंने ये दिया है। और अगर इसको मैं देखूँ अनबॉक्स करके, मैं एक मिनट ये आपको खोल के दिखाऊँ, अगर अच्छा 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 ये सेफ्टी किट है, यानी आप समझ लें इसके अंदर ना टिश्यू पेपर है। भाई तो ट्रेन चल पड़ी है और हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं फिदक के अंदर। इसके अंदर दिखा रहे हैं कि वाईफाई भी है, CCTV कैमरा भी है, और वो देखें TT भी घूम रहा है। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं ना कि वॉशरूम है, वाईफाई है, कैमरा है। तो मज़ीद देखते हैं इंशाल्लाह कि और क्या फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि अब तक का एक्सपीरियंस उससे अच्छा है। जो पुरानी ट्रेन थी ना, आई डोंट नो द नेम, लेकिन ये है क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही एसेसरीज दिखा दी, कमाल है। और यहाँ का मैं चेक भी करूँगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास फूड में, और सब ना वो आ रहे हैं, ड्रिंक और सब ला रहे हैं, कॉफ़ी पियेंगे आप। ये अभी आए हैं, इन्होंने ना ये क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान का शरबत दिया है। कैसा है माँ दिखाना, यानी आप समझें कि ये ज़ाफ़रान का शरबत दिया है, और मैंने और सहर ने नेस्कैफे ली है, और ये एज़ यूजुअल मर्जिया हमारी वीडियो ख़राब करते हुए, और ये डार्क कलर की नेस्कैफे है, बहुत गर्म है। मर्जिया आर यू एंजॉइंग? नो, व्हाई, व्हाट डू यू वांट? तंग हो रहा हूँ, देख लो ये इस 5-star में भी तंग हो रहा है जी। भाई तो ये अभी फूड आया है और ड्रिंक के साथ आया है, उसने पूछा था जो भी ड्रिंक हो, और मैंने इसको हल्का सा ट्राई किया तो ये काफ़ी चीज़ी कुछ आया है। अब ये क्या है देखते हैं, मर्जिया का तो फेवरेट पिज़्ज़ा लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये लज़ानिया टाइप कुछ होगा, चीज़ टाइप है। वाह, पैक में खोल के दिखाता हूँ सही से। वाह, ये तो कुछ मज़े का लग रहा है चीज़ टाइप, चलें देखते हैं फिर खा के बताते हैं। हो गया, बोल के दिखाते हैं आपको क्या है। एक इसके अंदर है लंच बॉक्स और एक स्पून, इसके अंदर टिश्यू है, सॉल्ट है, ये हमारी कोक है। पापा कोला पीता है, मैं आपको कोला देता हूँ, मर्जिया को कोला चाहिए भाई। और ये दिखाएं, यहाँ पे है, ये देखें, ये है चीज़ी, वेरी नाइस। पापा
एक्सपीरियंस भी ये है कि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, स्पेस भी काफ़ी अच्छी है और नीट एंड क्लीन है, साथ के साथ स्मेल अच्छी आ रही है और स्पेस भी सब बेहतरीन है। तो शाम हो गई है और आप सबने कि काफ़ी अच्छी नींद आई है, फिर मैं सो गया था, अभी वो चाय और बिस्किट दे दी गई, ये वाला बिस्किट नहीं बन है और काफ़ी अच्छा है, मैंने खाया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट गेट मी। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जब ये मगरिब के टाइम पे नमाज़ हो जाएगी हम रुकेंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोर करते हैं अगर ये यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसके अंदर क्या सेट है। अभी तक सब कुछ मिल रहा है, खा के भी देखा है मैंने, काफ़ी अच्छा है। चाय ब्लैक टी आई है, तो हम लोग अपने साथ वाइटनर लाए थे तो हमने उनका दिया। आप लोग भी जब कभी ट्रैवल करें अगर दूध चाहिए तो अपने साथ लाएँ, यहाँ नहीं मिलता। सलाद के लिए ट्रेन रुकने वाली है अभी, बस ये कितनी अच्छी बात है कि मगरिब का टाइम हुआ है और यहाँ पे बाकायदा था ट्रेन रुकती है नमाज के लिए। ये देखें स्टेशन आ गया है और ये नमाज के लिए रुकी है, तो बस सलाद पढ़ते हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है, यानी आप समझें ओहो हवा तेज़ चल रही है। और प्रेइंग एरिया, स्टेशन, टॉयलेट, तो प्रेइंग एरिया पे चलते हैं। नमाज के लिए रुके हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं हैं, हम बीच में मौजूद हैं कुम और तहरान के, नहीं कुम और मशहद के। तकरीबन ट्रेन चली थी 7:15 और इस टाइम पे 8 के करीब बजे, बहुत कमाल वेदर है, आप देख रहे हो सारे टुकड़े उड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, सारा रास्ता हर चीज़ खैर वाफियत से जा रही है। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं और क्योंकि ये ट्रेन बहुत स्लो रुकी है। ये देखें कितनी मज़े की बात है कि ट्रेन रुकी है नमाज के लिए और पूरी ट्रेन से लोग उतर के जा रहे हैं नमाज के लिए। काश ये निज़ाम हर जगह कायम हो जाए दुनिया में। क्या खुशगवार मौसम है, यानी आप समझें कि लग ही नहीं रही कि हम इतनी गर्मी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछले 15 दिन से ईरान के अंदर हूँ, तो एक अलग ही कैफियत है, कहते हैं ना कुर्ब रूहानियत वाली कैफियत है। बस ये है कि अपने मुल्क पहुँच के भी अल्लाह ताला यही करे, देखें कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि जैसे ही नमाज का टाइम होता है अल्लाह कह रहे हैं वापस चलते हैं वापस जा रहे हैं। बाहर बहुत नेक्स्ट लेवल की ठंड हो गई है, बाल बाल सारे ख़राब हो गए और यहाँ का वेदर इस तरीके का ही है कि कल बिल्कुल आप समझ लें इस्लामाबाद वाला है। कल भी जब मैं वहाँ गया था तो बच्चों को ठंड लग गई थी, तो कोई नहीं चले मिलते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, तो खाना आ गया रात का, अब आप देख लें इसके अंदर इन्होंने हमें दिया है चिकन पीसेस आई हैं वाइट सॉस के साथ, वाइट राइस हैं और एक इन्होंने बन दिया है और ये सैलड है अखरोट के साथ, कोक दी है, तो अच्छा खासा मील दे दिया है। और साथ के साथ ना मैं वो भी करता जा रहा हूँ, आप समझें कि मैंने कॉफ़ी भी पी थी 2 दफ़ा और साथ उसने मुझे एक कहते ना फ्रूट बन दिया था, वो काफ़ी डिलीशियस था, तो मील एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह। जी भाई, तो हम मील स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखें ये वाइट सॉस के साथ है, डिलीशियस। डायरेक्ट खा रहे हैं, ये लोग ज़्यादा सैलेड खाते हैं मेरे को लगता है। तहरान स्टेशन आ गया है और आप समझें कि बस हमारा अभी सफ़र 1.5 घंटे का रह गया है, तो पिछली ट्रेन से नस्बतन ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है और आप समझ लें कि कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा है, वो मेरे ख्याल से 4.5 की थी, ये 7,000 कुछ की है, लेकिन अवेल है, सीटें फ्लैक्सीबल हैं, मूव हो जाती है, मैं दिखाऊँगा पूरी वीडियो में, क्योंकि रात के स्पेयर में ना क्रूज़ करना मुश्किल होगा, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली किसी चीज़ में, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा ट्रैवल फिर कुम का हो जाएगा और फिर कुम से निकल के मैंने लाहौर जाना है, देखेंगे इंशाल्लाह क्या बना सकते हैं।